Hi guys, welcome or welcome back to my channel again. And the wait is finally over. Today I have come up with the honest 3-month review of Wishcare Hair Growth Serum Concentrate. Hashtag non-sponsored. मेरे ही पैसे लगे guys, 3 bottle में ले चुकी हूँ. 3 महीने से मैं use कर रही हूँ continuously. And guys, please, it's a request. आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना. डोंट कम हियर इफ यू आर जस्ट लुकिंग फॉर द सीरम का क्या रिव्यू है. आई एम हियर टू शोकेस द फुल जर्नी ऑफ माइन, ताकि आप लोगों को भी, मेरे सब्सक्राइबर्स को भी बेनिफिट मिल सके मेरे जर्नी से, है ना. तो गाइज, ओवरऑल मैं सारा कुछ, जो भी स्टेप बाय स्टेप मैंने किया है, वो सारा शेयर करूंगी. आप वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना, नहीं तो कोई भी स्टेप आपसे स्किप हो सकता है. आप अच्छे से वीडियो को पूरा कंप्लीट देखो. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो. कोई भी डाउट हो आप मुझे DM कर सकते हो या फिर यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है गाइज. और मैं कंप्लीटली ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ इसमें, तो बिल्कुल स्ट्रेस आउट नहीं होना है. चलो देखते हैं वीडियो. तो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं बात करूंगी व्हाट इज हेयर फॉल. देखो, अगर आपके 50 से 100 बाल गिरते हैं ना एवरी डे बेसिस पे, इट्स फाइन. ओके, आप थोड़े बहुत मेजर्स लेके अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हो. देन अगर उससे ज्यादा गिर रहे हैं, देन दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न. गाइज, आपको चेक करना है आपकी स्कैल्प कैसी है, ऑयली है या फिर ड्राई है स्कैल्प. ड्राई वालों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, ऑयली वालों को डैंड्रफ होती है, बट दैट इज यू नो बहुत चिपचिपा टाइप का एक डैंड्रफ होता है. तो उस हिसाब से आपको शैम्पूज चूज करने. माई स्कैल्प इज ऑयली एंड माई एंड्स आर सुपर ड्राई. तो जिनके बाल एंड की तरफ ड्राई हैं, प्लीज आप एवरी 3 month में थोड़ा सा ट्रिमिंग करा. वेरी एक्साइटेड टू शेयर माई जर्नी विथ यू. तो गाइज, अभी मैं सीधे जंप करती हूँ. ये तो हो गया हेयर के बारे में, अभी सीधे जाएंगे प्रोडक्ट्स के बारे में. देखो, पहले मैंने स्टार्ट किया 27th of June पे. ये जो विश केयर का सीरम कॉन्सेंट्रेट है, हेयर सीरम है, तो ये बड़ा you know, पहले तो मैंने देखा कि चलो ये क्लेम कर रहा है, लेट्स ट्राई इट. तो ये बहुत ईजी है, you know, जैसे आप स्प्रे करते हो ना, मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी. तो ये देखो, बहुत एकदम पानी की तरह है, तो बालों में ये चिपचिपा नहीं होता है. इजी टू यूज इट, दैट्स व्हाई आई लव दिस सीरम एंड आई यूज इट एवरी नाइट एवरी डे कंटिन्यूसली. 3 महीने से मैं यूज कर रही हूँ गाइज. मैंने, हाँ, बीच में थोड़ा बहुत मैंने स्किप किया है, बट आई हैव बीन ऑन दिस कंटिन्यूसली. मैं कोई डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं गई हूँ. वॉट एवर द रिव्यू इज, इट्स बेस्ड ऑन माई ऑनेस्ट एक्सपीरियंस. ओके, तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि जंक्स बंद कर दिए फर्स्ट. सेकेंड, अपना डाइट थोड़ा सा हेल्दी करा, उसमें फ्रूट्स वेजीज मैंने ऐड किए. एनी फ्रूट्स एंड वेजीज गाइज यू कैन गो फॉर. देन मैंने क्या किया, मैंने कुछ सप्लीमेंट्स लिए हैं, क्योंकि देखो सिर्फ आप इसको ट्रॉपिकली यूज कर रहे हो, बट इंटरनली यू नीड टू बी क्लीन एंड आपके बॉडी में सारे विटामिंस अब्सॉर्ब होने चाहिए. तो मैंने लिया बायोटीन DHT ब्लॉकर विद बायोटीन, आ जाता है हेल्थ कार्ड का. मैं कहीं पे एक क्लिप अटैच कर दूंगी, आप देख लेना. देन मैंने ऐड किया फिश ऑयल के कैप्सूल्स, बिकॉज मैं फिश नहीं खाती हूँ. एंड देन मैंने ऐड किया विटामिन डी. या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये एक चीज़ है, विटामिन डी जो होता है ना, सब लोग सोचते हैं कि बायोटिन से सिर्फ बाल बन जाते हैं, ऐसा नहीं है गाइस. एक्चुअली एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द बोन्स, द बोन मैरो. सो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो सकता है. तो ये सारे सप्लीमेंट्स मैंने चालू कर दिए एवरीडे बेसिस. मैं 3 महीने से ले रही हूँ. फिश ऑयल मैंने अभी ऐड किया है. तो ये हो गया सप्लीमेंट. आई स्टार्टेड यूजिंग दिस. इसको क्या करना है गाइस, बड़ा ही सिंपल है. आपका स्कैल्प एवरीडे बेसिस पे आप इसको लगाओ. एंड आई विल सजेस्ट कि आप एवरी 2 to 3 days अपना हेयर क्लीन करो. देखो, इसमें बड़ा इजी है, इसको ये खत्म होने को है तो ऑलमोस्ट. तो एंड लाइक दिस यू हैव टू जस्ट मसाज इट ऑन योर टेम्पल्स और बॉल्ड स्पॉट्स. गाइस, देखा, बीच बीच में जब मैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए इसको बंद करती थी, तो मेरे हेयर फॉल एज कम्पेयर टू द बिफोर बिल्कुल नहीं होता था. सो इट्स कम्प्लीटली सेफ. एंड इसमें 3 इंपॉर्टेंट है, एनागेन, बाइकैपल और एक क्या है, रिडेंसल. तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ, लेकिन इस सीरम में आपको सारे के सारे मिलते हैं, है ना. तो आई थिंक दिस इज द सेफेस्ट ऑप्शन. और मैं बात करूँ और क्या चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, गाइज यू कैन सी, मैंने एक शॉर्ट्स में भी बताया था, हेयर मसाजा. एवरी डे आपने अपना हेयर मसाज करना ही है. ये ओवरऑल ग्रोथ को बढ़ाता है और हेयर फॉल को कंट्रोल करता है. इन्वर्शन मेथड करोगे तो और ज़्यादा बेस्ट है, बट मैं भूल जाती हूँ रोज़ उसको करना. लेकिन गाइस, वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, उससे बाल ग्रोथ होती है, ठीक है. तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए. क्रंची,
इसको यूज़ करो, रबर बैंड्स नहीं। एंड सैटिन पिलो केस ले लो, या फिर आप सैटिन का एक बॉनेट आता है उसको भी ले सकते हो सोने के टाइम, सो दैट आपके बाल जो है ना वो कम्प्लीटली सेफ रहेंगे, फ्रिक्शन की वजह से टूटेंगे नहीं बीच बीच में से। देन आपको शैम्पू यूज़ कर रहे हो ना, सल्फेट फ्री शैम्पू प्लीज़ यूज़ करो। लव अर्थ का एक है, पिक्चर लगाया है मैंने, उसका शैम्पू सबसे बेस्ट है फॉर द ऑल टाइप ऑफ स्कैल्प। और नहीं तो अगर आपको पेप्टाइड्स पे जाना है तो आप जा सकते हो ये प्लम वाले पे, ठीक है। नॉर्मल एग मास्क लगा सकते हो, है ना, जो वाइट पार्ट है स्कैल्प पे लगाओ, योक पार्ट है हेयर लेंथ पे लगाओ विथ कर्ड, सबसे बेस्ट है गाइस। मैं पर्सनली इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो एक है ये एग मास्क लास्ट स्टेप गाइस, वुडन हेयर कॉम्ब, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होता है ना, बाल बहुत इजीली डिटैंगल हो जाते हैं, फॉल काफ़ी ज़्यादा कम होता है। क्योंकि बाकी जो कोई भी डाउट हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, एनी टाइम आई वुड रेस्पॉन्ड टू योर DMs। एंड नाउ विल गो फॉर द रिवील टाइम। साइड में कुछ पिक्चर्स भी लगाते जाऊंगी तो आप देख सकते हो ओवरऑल डेवलपमेंट क्या हुआ है, और मैं लाइव अभी दिखाती हूँ। तो गाइस पहले मेरे बाल ना, ये जो पॉइंट है ये एकदम खाली हो गया था, चौड़ा हो गया था, बट अभी देखो इसमें थोड़े थोड़े इसका जो चौड़ाई है वो कम हो गया है। अभी तो मैंने फिल्टर डाला है, ठीक है, मैंने मेकअप नहीं किया इसलिए, तो फिल्टर की लाइट की वजह से ये ज़्यादा दिख रहा है, बट यू सी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गाइस, देखो ये वाला पोर्शन मेरा पूरा खाली था, यू कैन सी। एक पिक्चर लगा रही हूँ गाइस साइड में, उसमें देखना आप ये वाले टेम्पल एरिया को, ये कितना ब्लैक था बट अभी थोड़े बहुत बाल आ गए। एंड दिस साइड ऑल्सो देखो, ये सारे बाल मेरे नए ग्रोथ हुए हैं गाइस। ये जो आपको दिख रहा है ना हल्का हल्का सा, ये सारे नए बाल हैं, ठीक है। और ऊपर से ओवरऑल जो मेरे पिक्चर्स में, आप खुद कंपेयर करके देख लेना आपको कैसा लगा। तो ये है ओवरऑल वीडियो, मेरे लिए इट्स अ यस प्रोडक्ट, मैं आपको 100% रिकमेंड करती हूँ। आप इस वीडियो को जितना मर्जी शेयर करो और दूसरों को भी रिकमेंड करो इसको, ठीक है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप सिर्फ प्रोडक्ट लगाने से बालों की हेल्थ नहीं बढ़ेगी, यू नीड टू बी इंटरनली हेल्दी एंड क्लीन, ठीक है, तब जाके आपके बालों की हेल्थ कुछ ठीक होगी। एंड प्लीज़ आप अपना प्यार देते रहना, वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करो ताकि हम बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकें। मैं आपको सारा बता चुकी हूँ कैसे क्या यूज़ करना है, प्लीज़ आप इसको फॉलो करो। एंड प्लीज़ कम बैक टू मी एंड शेयर योर स्टोरी विद मी, मैं उसको इंस्टा पे स्टोरी पे भी डालूंगी, एंड आई विल पर्सनली टॉक टू दैट पर्सन टू। तो दिस इज द होल वीडियो गाइज, होल आइडिया, होल जर्नी, आई होप इट हेल्प्स टू यू, है ना।